सो यार गाइस ना ये देखिए आप, पूरा ये ब्रेक टूट गया है। सो भाई मैं सो दोस्तों देखिए यार, आप लोग इतना खतरनाक रास्ता है ना, मैंने जाते वक्त तो वाला लिया था, मैं सोचा ये इजी होगा, ये उससे भी कसम से बहुत तगड़ा रास्ता है यार। सो यार फैमिली, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मेरे पीछे आप हरिस्थल देख सकते हैं, मतलब जितना ऑफ रोडिंग करा ना। और ये देखिए पीछे दिख रहा होगा आपको, क्या मस्त है। तू मेरे साथ आएगा? नहीं मैं लेके नहीं जा रहा तेरे को। तू जा कहाँ रहा वैसे? बैठ तो। कहाँ बैठेगा हैं? नहीं 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 नहीं, करंट लग जाएगा। ये मार्केट जाएंगे आज। ये दक्षु मेरे साथ जाने की जिद कर रहा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा फिर, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं घर को जा रहा हूँ फिर। जय मैं जा रहा हूँ, गाड़ी आ गई, हट तो हट हट, गाड़ी आ गई आगे से। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हो रहा है करीब 9:30 और मेरी सुबह हो रही है करीब हेड़ा खान वाले रोड पे। वहाँ से आ गया था दक्षु, जिद कर रहा था मैं भी चलता हूँ, तो मैं वहाँ से चला आया। तो मैंने इंट्रो शूट नहीं करा, इंट्रो शूट कर रहा हूँ मैं आधी रोड में आके। सो आज मैं जाने वाला हूँ हेड़ा खान साइड, हेड़ा खान से थोड़ा आगे हरिस्थल करके एक जगह है, नया रास्ता है। सो मैं उधर जाने का ट्राई करूंगा, मैक्सिमम अगर रास्ता सही हुआ तो जाऊंगा, अदरवाइज फिर आधे रास्ते से ही वापस ही होगी। तो देखते हैं आज वहां के लिए निकलते हैं और कैसा रहता है सीन शॉट, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहां से मैं निकलता हूं फटाफट। और गोप्रो में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यार, पता है एक बार ऑन हो रहा ना उसके बाद ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं 2-3 दिन से। नेपाल वाले राइड पर भी मतलब ऐसे ही हुआ जब उधर गया था, पूर्णागिरी साइड पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, अभी भी वही हो रही है। सो फिलहाल अभी निकलते हैं। सो यार गाइस, मैं आज निकलने वाला था ना हेड़ा खान से आगे, एक हरिस्थल है उधर के लिए। तो मैं जैसे ही अभी यहाँ पर पहुँचा ना, ये हेड़ा खान वाली रोड में ये पूरा चट्टान उधरा हुआ, देखो आप इसकी हालत बड़ी बुरी हो रखी है। वास्तव में यार यहाँ का पूरा जनजीवन ठप हो गया होगा भाई, बहुत कसम से एकदम ख़तरनाक चढ़ाई हो रखी है इसमें भाई। इस रोड को बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। ओए, पुरानी वाली रोड कहाँ थी कुछ पता ही नहीं चल रहा इसमें, तो तगड़ा सीन हो रखा भाई, तगड़ा। ओहो गॉड, कहाँ से काट के कहाँ बनाई हुई है रोड, आई डोंट नो, एकदम टप, बहुत टप भाई, बहुत टप, बहुत टप। ओहो पुराने वाली रोड नीचे थी यार, स्मूथली निकालनी पड़ेगी भाई, स्मूथली। ओए ओए भाई, देख रहे हो क्या हालत हो गई थी विदाउट बारिश के। सो फैमिली अभी मैं पहुंचने वाला हूँ रौसेला, और इधर यार गाय बैलू ने बड़ा आतंक कर रखा है रोड रोड में साला, पता है इनके चलते ना रिस्क रहता है कभी भी, ये कहीं को भी आ सकते हैं। और मौसम आज साथ नहीं देगा लग रहा है, क्योंकि पूरा बारिश वाला सीन हो रहा है, देखो क्या होता है, पूरे बादल लग गए हैं अभी तो फिलहाल। अभी मैं हूँ बड़ैत पे, तो आप जब इधर आते हैं ना सबसे पहले आपको पसौली पड़ेगा, फिर रौसिला, फिर गुमाल गांव, फिर पनिया मेहता, फिर पनिया बोर, तो ऐसे करके अलग अलग गांव पड़ते रहते हैं, उखलडूंगा पड़ता है, उसके बाद आपको आते रहना है, कहीं नहीं जाना है। और आपको रास्ते में सुंदर सुंदर ये गाँव के नज़ारे दिखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोगों को आते रहना है, ठीक है नहीं। और सिंगल रूट है, स्मूथली ड्राइव करना है यहाँ पर, और रास्ता बहुत जगहों पे ख़राब मिलेगा, बहुत जगहों पे सही मिलेगा, तो आप लोगों को अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। और मज़ा आ रहा है, अभी धूप आ चुकी है, सुबह तो एक बार ही मौसम हो गया था पूरा बारिश का, तो अभी निकल रहे प्यार से। तो दोस्तों सॉरी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था ना गोप्रो में माइक का दिक्कत आ रही, तो ये ऊपर वाला जो रास्ता है ना ये हरिस्थल के लिए, नीचे वाला हेड़ा खान के लिए जाता है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही ना, दोनों रास्ते मतलब जो ऊपर वाला रास्ता ना अभी ये सही नहीं था, और मैं कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पर मैंने वेट किया, वेट करने के बाद फिर कोई आया, उनसे मैंने पूछा, और उसके बाद मैंने नीचे वाला ही रास्ता लिया, ठीक है। मैंने वेट किया वहां पर, क्योंकि गलत रास्ते नहीं जाना था ना, फंसना नहीं था, तो मैंने वहां पर वेट किया, और उसके बाद जब कोई आया उनसे पूछा और कंफर्म करा, उसके बाद मैं आगे गया। क्योंकि सो यार हेड़ा खान से पहले पहले आपको पड़ता है एक तगड़ा सा ऑफ रोडिंग,
और इसमें पहले उधर से चढ़ाई है, इधर से डाउन है। वो वाला रोड ना, जब से पप्पू कार्की की डेथ हुई थी उसके बाद तो उस रोड को बंद ही कर दिया गया था, और वो बरसात में गिर भी गया था पूरा रास्ता, तो अभी वहाँ से बंद है। नहीं तो ये थोड़ा नहीं तो लंबा पड़ता है वाला रास्ता, अदरवाइज वो शॉर्ट था। बहुत तगड़ा डाउन है भाई इसमें, देख रहे हो आप लोग देख सकते हैं ना दोस्तों, ये वाला एरिया है पूरा हैड़ा खान देखो। और जब डैम बनेगा तो पता नहीं कहाँ तक पानी भरेगा। और मेरे को जो वाला रास्ता है ना, वो ये वाला नीचे से है, देखो आप मंदिर के लिए नीचे दिख रहा होगा आपको इस साइड पर, बट मेरे को हरिस्ताल के लिए वो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, वहाँ से पता करके जाना है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली पूरा रास्ता पता नहीं है यार। मुझे यहाँ तक तो आया हूँ, यहाँ तक पता है, इसके बाद का पता नहीं है, तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। सो यार दोस्तों, ये वाला आगे के लिए जाता है आपका रास्ता, और ये निकला आपका महाधाम के लिए, हैड़ा खान महाधाम के लिए। एक्चुअली ना मेरे को बार बार ग्लव्स खोलने पड़ रहे, क्योंकि ये गोप्रो मेरा बहुत दिक्कत कर रहा है यार। सो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी दिखाऊंगा मैं इसको उधर, देखो क्या सोल्यूशन निकलता है इसका। यार एसडी कार्ड में अगर वायरस होता तो हैंग करता, एक बार ही करता है, बार बार नहीं करता, लेकिन ये उसका सिस्टम नहीं है, तो ये चेक कराना पड़ेगा यार मुझे। ये है वो पुल, और यहाँ से पता पूछना पड़ेगा कहाँ को जाना है, पूछ लेता हूँ किसी से। भैया ये हरिस्ताल, वो इजी सस्ता मतलब कम दूरी वाला कौन सा है? कम दूरी वाला तो ये वाला पड़ेगा ना, नदी वाला रास्ता सही है। रास्ता डामर वाला नहीं है, आगे से सच्ची रोड भी है। कितना होगा यहाँ से करीब? यहाँ से तुम गाजा जाओगे पहले, गाजा से ऊपर को रास्ता है, वहाँ से होते हुए हरिस्ताल पहुँचोगे। तो कितना होगा करीब है? कितना होगा करीब? इधर को इधर से शायद से तो पतलू तीस और हाँ। मैंने उधर पूछा था किसी से, वो 15 किलोमीटर कह रहा था। चलो ठीक, यहाँ से आपको ले लेना है राइट, और गाजा जाते हुए आपको जाना है हरिस्ताल। तो पूछते पूछते जाएंगे, क्योंकि अपना मतलब वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं गलत नहीं जाएंगे, सही रास्ते पे निकलेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो पूछते पूछते ही निकलना बेटर रहेगा। सो देखो, पहाड़ों के बीच में बड़ी अच्छी सी खूबसूरत जगह है, और लेकिन मैं आज बहुत परेशान हो रहा हूँ अपने गोप्रो से लेकर, क्योंकि ये पता नहीं फ्रीज हो जा रहा है भाई, जम जा रहा है, मतलब इसमें कुछ वर्क नहीं कर रहा है। वीडियो कर रहा हूँ तो वॉइस नहीं आ रही है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार। पता है मेरे को बार बार रुकना पड़ रहा है, बैटरी निकालनी पड़ रही है, फिर लगा रहा हूँ, उसके बाद ये काम कर रहा है भाई। सच में यार गोप्रो से ये उम्मीद नहीं थी कि ये मतलब ऐसा करेगा कभी, और मतलब भाई इतना बड़ा ब्रांड गोप्रो एक्शन कैमरा का, सच में बता रहा हूँ ना, बहुत बहुत बुरा फील हो रहा। देखो क्या प्यारे नज़ारे हैं यार, इधर सुंदरता ही सुंदरता है, और हमारा गोप्रो धोखा दे रहा है, क्या कर सकते हैं आज। सो गाइस, जैसे जैसे आप आगे आते हैं ना, ये खूबसूरत सा नदी, और वहां पर आपको एक ब्रिज मिलेगा। ब्रिज से जाते हैं दो रास्ते, एक इधर को एक इधर को, तो हमें बाएं वाले में जाना है, बोले तो इधर को जाना है। मैंने पूछा है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, ताकि कोई भी आए तो ना उसे कुछ भी ऐसा ना लगे। नीचे देखो कितना साफ पानी दिख रहा भाई, पूरा एकदम क्लियर। अभी देखिए आप लोग कितना कच्चा रास्ता है यहाँ से, वो पुल क्रॉस करने के बाद बिल्कुल अभी ये कीचड़ वाला ही रास्ता स्टार्ट हुआ है, मुझे कब से यही रास्ता है, और बीच बीच में पता नहीं इधर पानी वानी कहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा मैं पानी वाली साइड पे लेता हूँ, बिकॉज मेरे को अपनी गाड़ी का वॉश कराना है, जो मिट्टी लगी हुई है उसको भगाना है। ओए होए, एकदम तगड़ा रास्ता भाई।
सो मैं अभी इस जगह पर आया हुआ हूँ। यहाँ से मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ से आपको दाएं लेना है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके पूछ लूँगा, अगर यही होगा तो मैं आप लोगों को भी बता दूँगा। इसी को कंटिन्यू करना है आपने, ठीक है भाई। बहुत ख़तरनाक रास्ता है भाई ये, बहुत ख़तरनाक कसम से ना, जिसको ऑफ रोडिंग से डर लगता है वो मत आना, पूछना पड़ेगा किसी से। यार यहाँ घर पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, पूछ ले किसी से यार। आंटी है हरीश ताल के लिए रास्ता यहां, यहां। अच्छा यहाँ को नहीं जाना है ना, अच्छा हुआ देखो ना, अभी कितना होगा, मेरे से किसी ने कहा ना दाएं लेना करके, अच्छा वाले में जाना है ना, अच्छा अच्छा ठीक छू ठीक छू। सो गाइस दाएं नहीं मुड़ना है आपको, बाएं वाले पे ही लेना है, क्योंकि कंफर्म करना सही रहता है। देख लो कभी कभी ना कोई रास्ता बताता है तो वो भी हमें गलत बता सकता है, तो इसीलिए मैंने कंफर्म कर लिया भाई, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। नहीं और गूगल बाबा का तो कुछ नहीं कह सकते, वो कितना क्या रास्ता बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। ओए होए भाई रास्ता क्या है, एकदम खतरनाक ही है ये। देख रहे हो क्या रास्ता है इधर ये, ओहो। सो हमें अभी यहाँ पर एक बच्चा मिला, बच्चा कहाँ जा रहे हो आप, स्कूल कहाँ, अभी कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे हो आप, उसकी आए हूँ उसकी आड़ी वाड़ी से आ रहे हो, आड़ी वाड़ी से, अच्छा कहाँ से आ रहे हो, आड़ी वाड़ी से, आड़ी वाड़ी नहीं भो आंगनबाड़ी से, बाय बाय। सो एक बच्चा मिला मेरे को यहाँ पर, बच्ची मतलब, मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो, आड़ी वाड़ी बोल रहे, मैंने कहा सही है भाई तुम्हारा भी मज़े हैं। सो फैमिली अभी मेरे को ना इधर बॉर्डर वाली फीलिंग आ रही, दोनों तरफ से पत्थरों की दीवार, ऐसा लग रहा है इधर चाइना इधर क्या कहते हैं इंडिया हो, और मैं बीच में भाई, तगड़ी ऑफ रोडिंग हुई है आज, तगड़ी कसम से बता रहा हूँ ना, एकदम फाड़ू। अब यहाँ से दो रास्ते में पूछना पड़ेगा, हरीश ताल वाला रास्ता, एक तो इतने सारे रास्ते बने हैं ना, पूछना पड़ रहा है बार बार। सो गाइस आगे से इसमें फिर दो रास्ते हैं, बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से राइट लेने के लिए बोला है मुझे, मैं यहाँ से राइट लेता हूँ, तो रास्ता देखते हैं आज भाई, एकदम टफ आने वाले हैं चीज़ें लाइफ में, और जब तक लाइफ में एडवेंचर ना हो तो मज़ा भी नहीं है। सो देखो ये रास्ता कैसा है, यहाँ से भी आज का मतलब ना, मतलब ये वाली जर्नी याद रहने वाली है, एकदम ताबड़तोड़, शायद अभी तक ये इस रास्ते से किसी ने किया है नहीं किया पता नहीं, बट मेरे लिए एकदम ये नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर है शायद। ओए होए भाई मैं बोलूँगा तो ना चला नहीं पाऊँगा गाड़ी, तो फिलहाल गाड़ी चला लेते हैं। ओए होए ये देखो अब एकदम पत्थरों वाला रास्ता है, तो गाइस आपको दिख रहा है ना वो वाली लोकेशन है भाई, तुम्हारी कसम ना भाई, ये उधर से आओ उधर उधर से, और ऐसी रोड है ना भाई डेंजर, फट के हाथ में आ जाती है, मतलब एकदम पूरी खतरनाक ऑफ रोडिंग है जितना भी है। अभी तक मैं 11-12 किलोमीटर आ चुका हूँ नीचे हेड़ा खान के पास से, सो सारा ही पूरा ऑफ रोड है, कहीं कहीं पर बीच में जो गाँव में सीसी पड़ी है वही है, बाकी पूरा आपका यही रूट मिलेगा ऑफ रोड, और मतलब एकदम हालत ख़राब करने वाला ऑफ रोड है, देख सकते हैं आप लोग। भाई मेरे को इतना टाइम हो गया ना, मतलब मेरे को एक घंटा लग गया है पूरा अभी तक वहाँ से इधर क्रॉस करने में, और अभी यहाँ से आगे एक बोट लगा था 3 किलोमीटर बता था हरीश ताल, देखो अभी कितना है। तो फिर मैंने मीटर नोट किया है अपना, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बता दूंगा कि कितना किलोमीटर है नीचे हेड़ा खान से।
सो फ्रेंड आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते यार, ऐसी जगहों पर लोग रहते हैं। और देखा आपने ऑफ रोडिंग कितनी तगड़ी है, और यहाँ से उधर आगे जाके ना नीचे कहीं दिख रही थी हरिस्थल, तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा आगे निकलता हूँ फिर आपको उधर ही दिखाता हूँ वहाँ से, ठीक है। और मुझे सर लगता है कि रोड से नीचे भी उतरना पड़ेगा क्योंकि रोड ऊपर है, नीचे कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो पूछना पड़ेगा किसी से। सो फ्रेंड आप लोग देखिए नीचे कितनी प्यारी सी खूबसूरत जगहों में बसा हुआ है हरिस्थल, चारों तरफ से देखो क्या मस्त है, और शायद उधर टापू में मंदिर भी है। सो अभी सबसे पहले उधर नीचे उतरने का रास्ता देखना पड़ेगा कहाँ से है, शायद आगे किसी से पूछूंगा वहाँ से मिल जाएगा, तो फिर वहाँ से नीचे उतरते हैं मस्त जगह पे। ये है हरिस्थल बिल्कुल दिल के शेप में, और देखो कितनी प्यारी लग रही है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितनी प्यारी सी लेक है, कितना मस्त जगह है यार भाई, अल्टीमेट। देखो कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से, और भाई कितनी खूबसूरत जगहों में बसा हुआ है ये गांव हरिस्थल। सो अभी उतरने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, और आगे एक लेक और है इधर लोहा खाम ताल, अगर मेरा मन करा पहले उसको विजिट कर लूँगा, इधर नीचे उतर लूँगा, जो भी होता है देख लेता हूँ पहले थोड़ा, लेकिन आगे निकल लेते हैं। सो फ्रेंड गाड़ी मैंने ऊपर खड़ी कर दी है, और कुछ ऐसा रास्ता मिला है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं नीचे उतरने के, तो मैंने इधर पूछ लिया, तो यहाँ पे रास्ते से निकल रहे नीचे, ठीक है। एक तो मेरे पास मेरा बैग भी है, हेलमेट मैंने सर पर ही पहना है, सोचा क्या उतारूँ यार, नीचे जाके उतारते हैं आराम से, क्योंकि रास्ता बहुत हुआ है ना, तो एक्चुअली पकड़ने के लिए सही है कि दोनों हाथों से कहीं पर पकड़ लेंगे। फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, और मेरे पीछे आप हरिस्थल देख सकते हैं, मतलब जितना ऑफ रोडिंग करा ना, और ये देखिए पीछे दिख रहा होगा आपको क्या मस्त है, ठीक है। मैंने इसका उधर से पूरा राउंड लगा लिया है, बढ़िया एकदम, और आप लोग भी देख सकते हैं भाई हरिस्थल ना, मतलब हमारे उत्तराखंड पे ही है, नैनीताल के पास में ही है मान के चले तो, लेकिन ये कहीं नहीं है, मतलब टूरिस्ट विभाग ने और पर्यटन विभाग ने इसको बिल्कुल ख़त्म करके रखा है। अगर यहाँ पक्की रोड होती ना, यहाँ टूरिस्ट होते बहुत सारे, और यहाँ के लोगों को अच्छा खासा रोज़गार मिलता। और अभी हवा तेज चल रही है, और देख सकते हैं आप लोग क्या मस्त जगह है, लोकेशन देखो आप एकदम बिंदास। गाइस आप लोग यहां से देख सकते हैं पूरा नज़ारा, ये कुछ इतना मस्त नज़ारा है, और देखो कितने चारों तरफ से पहाड़ियां हैं, और ये इसका डाड बना हुआ है, यहां से पानी का निकास, इधर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है पानी वानी के लिए, तो आप क्या बोलते हो मस्त जगह है ना। सो यार फ्रेंड ना एक चीज तो है ना, मतलब इतनी प्यारी जगह यार, मेरे पीछे देख रहे हो आप चारों तरफ, ये देखिए कितनी प्यारी सी जगह है, मतलब और हमारे जो पर्यटन विभाग रहता है ना उसको पता ही नहीं है भाई यहाँ क्या है, इसकी बाउंड्री हो रखी है, मुझे लग रहा है पहले तो बाउंड्री भी नहीं होगी इसकी, और बहुत प्यारी सी जगह है, आप लोग आइए विजिट करिए। बाकी पूरा लोकेशन आपने मेरी वीडियो से देख ही लिया है कहाँ से किधर को जाना है, एकमात्र वही रास्ता है जो दूसरा वाला रास्ता है वो ख़राब हो रखा है, तो मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, लोहा खाम ताल भी होके आता हूँ, और उसके बाद निकलेंगे वापस। सो गाइस आप नीचे देख सकते हैं यह है लोहा खाम ताल, और उधर उस साइड में ना मंदिर भी बना हुआ है, और बिल्कुल देखो कैसी सुनसान जगह में मस्त करके अच्छी जगह है, पानी का कलर बहुत गंदा हो रखा, बहता हुआ पानी नहीं है ना, और उधर में इधर से भी जाने का रास्ता है नीचे, और उधर धार से भी बना रखा है। सो अभी मैं नीचे जाने का मेरा प्लान है नहीं, क्योंकि लेक जब यहीं से दिख रही है और अच्छी तरीके से दिख रही है, तो नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी मैं यहाँ से वापस निकलूँगा, और एक्चुअली इस लेक का स्टोरी है ना, तो नेपाल से कोई बुज़ुर्ग आए होंगे, उनके साथ कोई देवता आए होंगे, लोहा खाम जी का ऊपर मंदिर भी है बताते, और सामने भी बना हुआ है, तो इसलिए इसको लोहा खाम ताल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड आप लोगों को दिख रही होगी पीछे है यह लेक प्यारी सी, और बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड कर दिया है, आप सोच रहे हैं कि चला जाए, करीब 3:30 हो चुका है, और कल शाम से ना मैंने कुछ खाया भी नहीं यार, मॉर्निंग में निकला था सोचा था आगे खाऊंगा,
एक दो जगह रुका, वहाँ कुछ मिला नहीं, और इधर वो फिर हैड़ा खान के बाद तो इधर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप वहाँ से आते हैं तो खाना वाना खा के आइए, तो अभी यहाँ से वापस निकलते हैं फटाफट। सो दोस्तों देखिए यार आप लोग, इतना ख़तरनाक रास्ता है ना, मैंने जाते वक्त तो वाला लिया था, मैं सोचा ये ईजी होगा, ये उससे भी कसम से बहुत तगड़ा रास्ता है यार। मेरे हाथों में हो रही है दर्द यार दोस्तों, मैं इसको क्रॉस करता हूँ ना, क्योंकि मैं वीडियो तो बना नहीं पाऊँगा ना बोल पाऊँगा, क्योंकि बहुत संभल के चलना पड़ रहा, तो मैं आप लोगों को आगे मिलता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से निकलता हूँ इसको क्रॉस करके। सो गाइस मेरा हो चुका है पोपट, पीछे वाला ब्रेक टूट चुका है। अरे सच में ना यार, इतनी ख़तरनाक रोड थी, अभी ये जाके एक गांव में पहुँचाऊँ। मैं उस वक्त उस वाले रास्ते से गया था, मुझे किसी ने बोला था यार ये भी सही है इधर से चले जाना, और भाई जो खड्डे थे ना कसम से ये साइड में टकराया, तो और ब्रेक इसका बोल गया, पीछे वाला ब्रेक बिल्कुल फ्री हो गया है। सो यार गाइस ना ये देखिए आप, पूरा ये ब्रेक टूट गया है। सो भाई मैं सिंगल ब्रेक पर जैसे लेके आऊँ ना गाड़ी, मैं जानता हूँ कसम से, आज ना कसम से, ये देख रहे हो ये ऐसे एक्चुअली लगा ना, लगने के बाद ये ऐसा हो गया। ओए होए, सिंगल ब्रेक पर भाई गाड़ी ले जाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है यार, लाइफ का असली एडवेंचर आज पता चल रहा बिना ब्रेक के। आगे वाला ब्रेक यार नहीं होता भाई, गाड़ी का थोड़ा ना है भाई, जैसी मारता हूँ ना वैसी फिसल जाएगी गाड़ी पता है, क्योंकि क्या ही बोलूँ यार आज, मतलब सच में यार पोपट हो गया मेरा तगड़ा वाला यार। तो यार यहाँ पर मुझे मिला करण भाई, करण भाई को बताया ब्रेक सही हो गया तो ना, सॉरी ब्रेक ख़राब हो गया। सो यहाँ पर मिला करण भाई, तो यहाँ पर ना ना तो पूरा ब्रेक ख़राब हो रहा, करण भाई चेक कर रहे हैं अभी, आप लोग देख सकते हैं ये इतना डाउन है कसम से ना, इसमें उतारने में मुझे डर लग रही है अभी। क्योंकि पूरा है देख रहे हो कितना खतरनाक सीन हो रखा है यहाँ पर, अभी पीछे वाले ब्रेक की आदत है ना, ये देखो पीछे वाले ब्रेक का ये कंडीशन हो रखा है। आराम आराम से निकाल लेता हूँ, सेट। सच में पता ये बहुत डेंजरस है, पता नहीं यहाँ से रोड क्यों बना रहे हैं इतने खतरनाक जगहों पे। फिर से पहले बड़ा आसान लगता था यहाँ पे, अभी बड़ा डेंजर हो गया भाई, सच में सच में सच में। सो फैमिली अभी हो चुका है 11 o'clock, और थोड़ा गोप्रो में इशू हो रहा था, और आज बाइक का भी थोड़ा पोपट हो गया, उसका ब्रेक नीचे फंस जा रहा था, शायद उसके सिलेंडर में कुछ दिक्कत आ गई होगी, और मैंने थोड़ा बहुत तो सही करवाया था बट मुझे लग नहीं रहा वो सही हो पाएगा, 2 घंटे लगे थे एटलीस्ट उसमें, क्योंकि भाई जिसको उस चीज़ की नॉलेज है ना वही कर सकता है। बाकी यार हरीश ताल को ना पहले हथियारी ताल के नाम से भी जाना जाता था, और वहाँ पे ना मतलब जो कोई भी नहाने या कुछ भी करता होगा तो वो उस इंसान की डेथ हो जाती होगी, तो उसको हथियारी ताल बोलते थे, और धीरे धीरे उसका नाम हरीश ताल कर दिया गया। सो बाकी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और भाई के लिए प्यारा सा कमेंट, और भाई के चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।